नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कलयुग का धर्म, भलाई के बदले बुराई। पहाड़ की तराई में एक गांव है नागपुर। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था, जिसका विवाह उसने थोड़ी दूर बसे दूसरे गांव में कर दिया था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे रामू से कहा, बेटा अब मुझसे घर का कामकाज नहीं होता, तू जाकर बहू को लिवा ला, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। रामू की बात सुनकर अपनी बहू को लिवाने ससुराल चला गया। उसके ससुराल के बीच एक घना जंगल पड़ता था। वह जंगल के बीच से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ के गिरे पत्ते फूल आदि में आग लगी हुई है, और पास ही पत्तों की जलती आग के बीच एक बिल है जिसमें से सांप बार बार अपना सिर निकाल रहा है, पर आग की गर्मी से निकल नहीं पा रहा था। बुढ़िया के बेटे को आता देख नाग जोर से चिल्लाकर बोला, ए भाई, मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। बुढ़िया के लड़के ने कहा, तुम तो नाग हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम निकलने के बाद मुझे काट सकते हो। नाग ने कहा, कैसी बातें करते हो, तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूंगा, ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। नाग के बार बार आग्रह करने पर लड़के को दया आ गई और उसने लाठी की मदद से नाग को आग से बाहर निकाल दिया। नाग जैसे ही आग से बाहर आया, उसने लड़के से कहा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। रामू हक्का बक्का रह गया। थराते हुए उसने कहा, लेकिन तुमने तो नाग काटने का पक्का वादा किया था। नाग ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, यह कलयुग है, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है, यहाँ युग धर्म है। मैं तुम्हें काट कर युग धर्म जरूर निभाऊंगा। लड़के ने कहा, यदि तुम्हें काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। नाग ने लड़के की बात मान ली। लड़का नाग के साथ जंगल में चढ़ती हुई एक गाय के पास गया और गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला, गाय माता, तुम ही न्याय करो। गाय बोली, नाग ठीक कह रहा है, मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े आदि देती हूँ, फिर भी मेरे बूढ़े होने पर आदमी मुझे कसाई के हवाले कर देता है, यही इस युग का न्याय है। नाग ने कहा, अब तो तसल्ली हो गई। लड़का गिड़गिड़ाया, किसी एक से और बात कर लेने दो, अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लड़के ने सामने एक पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने कहा, नाग ठीक कह रहा है, मैं आदमी को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, पर बदले में आदमी मुझे काटता है और आग में जला देता है, कलयुग का यही धर्म है। यह सुनकर लड़के ने नाग से कहा, मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है, जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने अपनी पत्नी का मुंह ठीक से नहीं देखा है, तो मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। नाग ने कहा, मंजूर है, पर पत्नी से कोई बात न करना, 3 घंटे के भीतर वापस लौट आना। लड़का अपने ससुराल पहुंचा, कुछ कदम दूर से ही उसने देखा उसकी पत्नी दरवाजा साफ कर रही है। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी उसे इस तरह देखकर आवाक रह गई। वह कुछ पूछती इससे पहले ही लड़का वापस चल दिया। पत्नी ने सोचा, जरूर कोई विपत्ति आई है, वह भी पीछे पीछे चलकर नाग तक पहुंच गई। नाग ने फुकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने से मना किया था और तुम इसे साथ लेकर आ गए। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, इन्होंने मुझसे बात नहीं की, यह बिना कुछ बोले वापस चल दिए तो मैं इनके पीछे पीछे चलाई। लड़के ने कहा, अब मैं तैयार हूँ, युग धर्म का निर्वाह करो। सांप लड़के को काटने को तैयार हुआ, तभी उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो, सिर्फ इतना बता दो, इनके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी। नाग ने कहा, इसका इंतजाम है, इस बिल के 7 फेरे करके इसे खोदोगी तो तुम्हें सोने से भरे हुए 7 घड़े मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ, मेरी तसल्ली के लिए 7 फेरे लेकर बिल खोद लेने दीजिए। नाग लड़की की बात मान गया। लड़के की पत्नी फेरे लेने लगी। 7वां फेरा पूरा होते होते उसने अपने पति के हाथ से लाठी छीनकर उस नाग के सर पर जोर से दे मारी। नाग छटपटाने लगा,
वह लड़के से बोला, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्षमा करना नाग देवता, मैं तो आप ही की बात रख रही हूँ। आपने कहा कि यह भलाई का बदला बुराई है। हमें अपने इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना पड़ा और आपके प्राण लेने पड़े। नाग का निर्जीव शरीर एक और धराशायी हो गया। लड़का और उसकी पत्नी खजाना लेकर अपने गांव खुशी खुशी लौट गई। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं।